आप मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज पर, देखते आज की कुछ खास खबरें। कनेक्टेड रोबोट कैमरे वाली स्मार्ट टीवी और स्मार्ट कॉफी मशीन हुई पेश। दिल्ली के एरो सिटी में इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2019 का सोमवार को कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने शुभारम्भ किया। ICMC 2019 में 30 देशों की 500 से ज्यादा कंपनी अपने उत्पादन पेश करने पहुँची है। IMC में कनेक्टेड रोबोट को लेकर लोगों में उत्सुकता रही। रोबोट अपने साथ खड़ी मॉडल की हरकतों की नकल करता है। कैमरे वाली स्मार्ट टीवी चीन की कंपनी ऑनर ने पहला पॉपअप कैमरे से लेस स्मार्ट टीवी प्रदर्शित किया है। 16 अक्टूबर को लॉन्च हुआ गेमिंग फोन रेडमी नोट 8 प्रो फोटोग्राफी के लिए मिलेगा 64 मेगापिक्सल का कैमरा। चीनी कंपनी शाओमी ने गेमिंग के लिए फोन में खास तौर से मीडियाटेक G90T प्रोसेसर है। गेम खेलते समय फोन गर्म ना हो इसके लिए फोन में लिक्विड कूलिंग सपोर्ट मिलेगा। कंपनी फोन के लिए गेम कंट्रोलर भी बेच रही है। मुंबई देश का पहला 11 स्क्रीन वाला मल्टीप्लेक्स खुला, इसमें रोजाना होंगे 60 शो। अपनी तरह का दुनिया का पहला मल्टीप्लेक्स है जहां 60,000 वर्ग फीट के क्षेत्रफल में 11 स्क्रीन वाले 6 एक्सपेरिमेंटल सिनेमा फॉर्मेट्स उपलब्ध है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखें और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे MNS न्यूज के साथ। नमस्कार।